go. Get it. का पत्ता आंटी ये बड़ा वाला इसका छोटा वर्जन ये देखो गाइस ये बदमाश क्या चाहिए तुमको हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो. आप सभी कैसे हैं? तो आज हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग छत का ऊपर में कुछ पकाएंगे करके. तो गाइस हम लोग चावल सुखा रहे छत में. हम लोग जब वेनेसडे मार्केट में था तो हम लोग को एक नया वेजिटेबल मिला है, एक नया लीफ मतलब, जो हम लोग बहुत पहले खाया था और बहुत समय बाद दिखाई दिया. और ये ज़्यादातर आपातानी कम्युनिटी में खाया जाता है और पाया जाता है. तो आपको हम दिखाता है यहाँ पे कि वो किस तरह से दिखता है. ये एक्चुअल में एक हर्ब है. कल हम इसका नाम ढूंढ रहा था कि इसका नाम क्या होता होगा करके. तो ये एक्चुअली हर्ब है, पर हर्ब जानने से पहले हम लोग तो इसको सब्जी में खाता था. तो उसका ही आज एक रेसिपी बनाने वाला है. तो मम्मी आज आप लोगों के लिए बना के दिखाएगा बोला है. और चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाता है. गाइस ये देखिए आज हम लोग पोर्क का साथ में बनाने वाला है. तो ये देखिए गाइस इसका पत्ता और इसमें मिडिल में ऐसा फूल होता है. ये है इसका पत्ता, इस तरह का दिखता है. इसको मम्मी ने पूरा साफ कर लिया है इसलिए अभी अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है. ये इस तरह का होता है पत्ता जो ना, ये फील्ड में भी जब हम घूमता है ना तो उसमें भी दिखाई देता है. एक्चुअली ऐसा फील्ड लोग में बहुत अच्छा से उगता है. मतलब आप लोग का भी घर का आसपास में उगता होगा, पर बेसिकली आप लोगों को पता नहीं है कि उसको खाया जाता है करके. तो अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है. और सिर्फ पोर्क का साथ ही नहीं, मम्मी अलग अलग चीज का साथ भी बना सकता होगा ना. तो हमने आग जला लिया है और अभी मीट डालेगा. अभी मीट डालेगा. तो ये देखिए गाइस हम लोग बिना तेल का ही कुकिंग करने वाला है. अभी नमक थोड़ा डालेगा, तेल पूरा निकल जाता है. नमक डालने से तेल निकल जाता है. निकल ये तेल को ना हम लोग बोतल में प्रिजर्व करके रखते हैं. कभी कभी अच्छा है ये. कुछ कुछ नागा डिश फ्राइड राइस वगैरह में बहुत यूजफुल है, बहुत टेस्टी बनाते हैं चीज़ को ना, फ्लेवर और ऐड करते हैं. मम्मी जो तेल को निकाल के वो बोतल में ट्रांसफर कर रहा है. ये देखिए गाइस तेल इतना निकला है. और ये मेरा एम कैफेन का खाली बोतल तक हम लोग यूज़ करते हैं और उसका सीसा बोतल मिलता है ना, तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी धो के उसमें कुछ सामान रखने के लिए सोचते हैं. क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? अभी हम लोग यहाँ पे लहसुन अदरक मिर्चा ये पत्ता ये सब डाल के इसका साथ में फ्राई करेगा. और ये मीट जो ऑलरेडी 50% हम लोग हाफ कुक करके रखा हुआ था, हाफ बॉयल करके रखा हुआ था, इसलिए ये जल्दी पक गया है. तो बाई चांस अगर आप लोग ने बॉयल नहीं किया होगा तो आप लोग को थोड़ा समय लगेगा ऑब्वियसली. तो अभी मम्मी ऐड कर रहा है हमें लहसुन अदरक और चिली. फिर से ऐड करने वाले हैं सॉल्ट. पत्ता डालेगा लेकिन मीट का कलर चलने के लिए ऑप्शनल है गाइस, नेसेसरी नहीं है डालना, पर भी मम्मी जो कलर के लिए डाल रहा है. अभी मम्मी ऐड करने वाले हैं ये पत्ता. अभी उसमें ऐड कर दिया सब सामान और उसको भी ढक के रख रहे हैं. उसको खुद से थोड़ा पकने देगा, फ्राई होने देगा और उसका खुद का भी वाटर रिलीज होगा ना,
फिर आप लोग मम्मी पानी डालेगा क्या? देखो ये दोनों कुत्ता मार खा के अभी इस तरह से बैठा हुआ है। मेरे ये दोनों कुत्ता ना बहुत खुकवाएगा, इस बहुत परेशान करके रखा है। मतलब इतना खाने के लिए देता है हम लोग इसको, इसको बोन खरीद देता है, मतलब वो जो ये लोग का कैल्शियम वाला बोन होता है ना वो भी देता है। उसके बाद फिर दुकान से पोर्क का हो मिथुन का वो भी हड्डी खरीद के देता है, और चिकन तो खाता ही है हर समय, फेवरेट है ये लोग का चिकन। उसके बाद फिर कभी कभी पोर्क का मीट, कभी फिश, मतलब हर चीज़ खिलाते हैं। उसके बावजूद भी ये दोनों कुत्ता इतना खोखा है, इतना खोखा है, मतलब ये लोग का पेट ही नहीं भरता है। खाने का मामला में तो मत पूछो, ये लोग क्या नहीं खाते हैं, हर एक फ्रूट खाता है, नींबू तक भी खा देते हैं। उसके बाद वो तीता गुत्ती होता है ना छोटा छोटा वाला, वो तक भी कच्चा भी खा देते हैं, बॉयल भी खाता है, हर एक पत्ता खाता है, हर एक फ्रूट खाता है, मोमो खाता है, चाउमीन, क्या नहीं खाता है ये दोनों। अभी देखते हैं, हाँ वाओ सूख गया ना अभी। वाह मजा बना रहा है। वाओ ये है मम्मी का छोटा सा स्मॉल किचन गार्डन, तो मम्मी धनिया डालेगा बोल रहे, और अपना ही यहाँ से तोड़ के डालने का मजा ही कुछ और है। और ये देखो बटरफ्लाई, यहाँ पे भी धनिया लगाए ना आप मम्मी ना। ये क्वार्टर लाइन पे मम्मी लोग का हर कोई किचन गार्डन करता है, तो हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ पत्ता सब्जी देने के लिए आ ही जाता है। अभी भी घर में बहुत ज्यादा पत्ता सब्जी है। अच्छा है अपना खुद का स्मॉल गार्डन होना, वहाँ से हर दिन तोड़ के खाना एक अलग फीलिंग होता है, सबको करना चाहिए। अभी मम्मी ऐड करने वाली है धनिया। वाह क्या मजा बना रहा है। पक गया ना हम लोग का सब्जी, पक गया। देखो मम्मी लेके आ रहे हैं, अभी हम लोग खाना खाए। तो गाइस ये है मेरा थाली, आप देख सकते हैं। चलिए लेते हैं फर्स्ट बाइट गाइस। मम्मी मजा आया? बहुत मजा। So let's start the chicken tikka preparation guys। तो इसमें मैरिनेशन के लिए मैंने ऐड किया है कुछ धनिया, गार्लिक, चिली, चिली आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 4 टेबल स्पून कर्ड जो कि है खट्टा दही। उसके बाद इसे मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये मेरा चिकन ब्रेस्ट जिसे अच्छी तरह से मैंने काटा है, और इसमें इसके साथ में मैंने इस बार स्किन भी रखा हुआ है एज इट इज़। और इसमें आपको जो ब्लेंड किया है उसे ऐड करना है, फिर आपको ऐड करना है इसमें सॉल्ट, चिली, गरम मसाला, हल्दी, और इस बार मैं यहाँ में ऐड कर रही हूँ बटर, पर आप बटर के जगह में आप घी भी ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में आपको ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है। तो गाइस अभी सुबह उठ गया है, ये है मेरा हालत। उसके बाद अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, पानी वानी भरा के हो गया। उसके बाद हम कल का जो मैरिनेट करके रखा था ना चिकन टिक्का वाला, उसको बनाएंगे हम लोग का चिकन टिक्का। तो चलिए ये मेरा रेसिपी है, शायद इस तरह से नहीं भी बना पाओगे, पर हमको इस तरह से ही खाने का मन था, ग्रीन ग्रीन करके थोड़ा सा हर्ब्स होके इसमें वो ऐड करके। तो अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। इसमें हम बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं कर रहे क्योंकि कल या तो बटर था, तो इसमें करते हैं।
राइस ये देखो बढ़िया से पक्के रेडी है। अभी इसको हम एक ग्रिल फ्लेवर देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम गैस में इसको थोड़ा सा पकाएगा। बिना तंदूर का कैसे बनाते हैं चिकन टिक्का हम आपको दिखा रहे हैं आज। और गाइस इस तरह का कोई डिश बनाते तो उसमें स्किन यूज नहीं किया जाता है, बट लेट मी टेल यू स्किन इतना डिलीशियस है ना गाइस, हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है स्किन। तो ऐसे देखो हम लोग का एकदम चारकोल सा, जैसे कि हम लोग तंदूर में बनाया है, जैसे एकदम इसमें अच्छा से आ गया है, फ्लेवर भी आ रहा है। और आपको गलती से भी ये फेंकने का नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा से बटर ऐड करने का कोई जरूरी नहीं है, ऑलरेडी जो हम लोग का पहले का जो मैरिनेशन था उसमें हम लोग को ये ऐड कर देना है। और ये अभी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसको जलने नहीं देना है गाइस, और ये जला नहीं है, आप लोग अच्छे से देखिए। तो अभी इसमें हम लोग ऐड कर देगा हम लोग का चिकन को। अभी ये देखिए इसमें हमने इसको कोट कर दिया है, वाओ ये बढ़िया दिख रहा है गाइस। अभी मेरा चिकन टिक्का में हमको चाहिए स्मोकी फ्लेवर, तो वो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम सोचा है कि ये जो बनाना का लीफ है इसमें थोड़ा सा कोयला, मतलब थोड़ा सा कोयला, उसके ऊपर से हम घी ऐड कर देगा, उसके बाद उसको ढक देगा तो अच्छा खासा एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। और गाइस ये देखो हम लोग का एकदम ओरिजिनल घी जो कि हम बस्ती से लेके आया था। अभी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है एक बनाना लीफ और इसमें कुछ कोयला डाल दिया है। अभी यहाँ में हम थोड़ा सा घी ऐड करेगा, अभी यहाँ में घी ऐड किया है। इसको हम डाल देगा, ये देखो गाइस हम लोग का चिकन रेडी है, कुछ इस तरह से दिख रहे हैं और देखने में भी बहुत डिलीशियस दिख रहे हैं गाइस, एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। ये देखिए इसका स्मेल भी इतना मजा है। तो चलिए मम्मी अभी ऑफिस जाने वाला है तो उसका प्लेट हम लोग रेडी कर देते हैं। हाँ नहीं ये चिकन टिक्का का रेसिपी आप खा के बताओ तो कैसा है। फैंटास्टिक। ये टेस्ट करते हैं, ये मेरा फर्स्ट। और ये चटनी भी हम बनाया है, ये चटनी में भी पुदीना, कच्चा हल्दी, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्चा, उसके बाद पम्पकिन सीड वही है, और दही भी साथ में। इतना अच्छा लगता है जब आप जिस तरह से इमेजिन किया है उसी तरह से चीज भी बन के निकलते तो फैंटास्टिक। और ये है चिकन स्किन, चिकन टिक्का में यूजली चिकन स्किन को तो नहीं बनाते पर हम बनाया था, एंड ऑफ कोर्स ये जूसी होगा, क्रिस्पी होगा। mm-hmm.